हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, अभी सेरी का टाइम हो चुका है और हम उठ चुके हैं। मैं थोड़ी लेट उठी हूँ क्योंकि सेरी मुझे बनी बनाई मिलेगी, तो अभी 4:25 हो रही है। मैं उठ चुकी हूँ और उठ के मैं फ्रेश होके खाने के लिए आ चुकी हूँ और मैंने खाना खा लिया। उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया खाना खाने के बाद, क्योंकि हम किचन में चुपचाप बैठ के खाना खाते हैं दोनों रूम में। एक रूम में भाभी के बच्चे सो रहे थे, एक रूम में भैया सो रहे थे, तो इसलिए हम किचन में बैठ के खाना खाते हैं। और अभी सिर्फ 10 से 15 मिनट बची है, तो जल्दी से मैं ब्रश कर लेती हूँ और ब्रश करके फिर हमको पानी पी के नैत भी करनी है। अभी सिर्फ 5-7 मिनट में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम कुरान पढ़ेंगे फिर। तो अभी हम ब्रश व्रश करके आ चुके हैं और ये मैं ना आराम आराम से पता है क्या बोल रही हूँ कि हम दोनों कमरों में सब सो रहे हैं और हम बाहर खड़े होकर व्लॉग कर रही हूँ। सुनो आराम से। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं उठ चुकी हूँ और मुझे जाना है ट्यूशन, तो मैं रेडी होती हूँ। मैंने कपड़े निकाल लिए नींद में उठ के, तो अभी नहा के जल्दी से आते हैं और फिर जाना है हमको ट्यूशन। उसके बाद हम फिर ऑफिस जाने, तो फटाफट से नहा के आते हैं हम। तो अभी हम नहा धो के आ चुके हैं और मेरे को अभी बाल बांधने हैं। मैं तो देर सोच रहा हूँ कि अभी कैसे बांधूँ कैसे बांधूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे इतनी देर हो गई है। तो अभी से मेरे को बाल बांधने थे। मैंने पहले पोनटेल किया, पोनटेल से मेरे बाल खींच रहे थे, तो मैंने पोनटेल खोल दिया। उसके बाद मैंने बाल खोल के देखे तो बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, खोल के समझ नहीं आ रहा क्या बांधूँ। तो अभी मैंने अभी 5:30 हो रही है, मैं निकलने वाली थी। आज मैं सोची 30 मिनट पहले निकल जाऊं, पर ऊपर वाला चाहता नहीं कि मैं कुछ भी बिना टाइम के करूं। सो बारिश ज़्यादा स्टार्ट हो गई यहाँ से, ऊपर पता नहीं चलेगा, बट हल्की हल्की आ रही है, तो नीचे पर चल रहा है ज़मीन पे। तो मैं सोच रही हूँ भीगते भीगते जाते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन ऊपर वाला मुझसे चाहता नहीं है कि मैं कुछ भी काम करूँ, पूरा काम करके जाऊँ, मैं 30 मिनट भी पहले बच जाऊँ। चलो भाई, हम 30 मिनट बाद ही चले जाएंगे। सो गाइस, निकल चुके हैं ऑफिस से। सो गाइस, ऑफिस आकर मैंने नमाज़ पढ़ी, असर किया। सर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं लेट हो गए थे, बट उसके बाद मैंने 5-10 मिनट कुरान पढ़ी। फिर हमारे रोज़ा इफ्तार का टाइम हो गया था, तो मैं अभी दस्तरखान लगाने लगी हूँ। दस्तरखान लगाते हैं और फटाफट से आते हैं क्योंकि दुआ मांगनी है। अभी सिर्फ 5 मिनट बची हैं। हम तो सब बना रहे हैं बिना चिकन की कचौरी, बिना चिकन की कचौरी। देखो भाई, ये पकौड़ी कचौरी, एक एक सामान ला लागे दी सबसे मेन डिश हमारी में। अब मेरे गुड्डे को भी दिखा, मेरे गुड्डे को भी दिखा। सबसे बड़ा रोज इसने रखा जा रहा ने, सबसे बड़ा तीन रोजे रखे ने, इतने रखे तीन, एक दो तीन। चलो हाँ, ये मेरे से गिर गया। सो गाइस, हमने रोज इफ्तार करके यहाँ पे हमने दुआ मांगी पहले अच्छे से, फिर रोज़ इफ्तार किया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के अब मैं आ गई हूँ और मैं कुरान पढ़ूंगी कुरान, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सो गाइस, रोज इफ्तार करके हमने नमाज़ पढ़ी, उसमें कम टाइम होता है, सिर्फ दिखाया नहीं। उसके बाद भाई मैंने थोड़ी देर कुरान पढ़ी, उसके बाद मैं लेट गई और अभी हो चुके ईशा के अज़ान। तो मैं खड़ी हुई हूँ अभी नमाज़ पढ़ने, तरावी पढ़ने। तो मैंने वज़ू कर ली है, वज़ू बना ली है और मैं नीचे जा रही हूँ अभी नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम तरावी पढ़ेंगे। और हम अभी खाना नहीं खाया, हमने सिर्फ रोज़ा खोला था फ्रूट्स एंड चाट के साथ, तो अभी उसके बाद हम खाना खाएँगे। तो अभी चलते हैं नीचे हम नमाज़ एंड तरावी पढ़ने, यहाँ भी पढ़ने वाले थे पर नीचे पढ़ते। चलो